हेलो गाइस, सो वेलकम टू आवर व्लॉग। और आज हम लोग कुछ तूफानी करने वाले हैं। आज हमारे साथ है हमारा फोटोग्राफर सनी ओझा और उनके साथ है सुमेर सिंह, ये आज के हमारे मॉडल है। तो यार आज का व्लॉग में ऐसा है कि ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं है इस व्लॉग में। यार देखो, हम लोग कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे पहले तो, और मतलब कल ही मैंने पोस्ट किया कुछ फ़ोटोज़, अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा वो फ़ोटो। यही फ़ोटो जो है बहुत पसंद आया इंस्टाग्राम पे सबको, और बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि इस फोटो को कैसे क्लिक किए। मेरे कुछ आसपास दोस्तों का भी रिक्वेस्ट था, तो इस वजह से मैं सोचा कि चलो यार इस पे ब्लॉग ही बना देते हैं और देखते हैं कि कैसे क्लिक करेंगे और क्लिक कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल रिंग लाइट से। और एक कैमरा हमारे पास जो है सोनी A7 III हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, कौन सा लेंस है, प्राइम लेंस है ना, प्राइम लेंस यूज़ कर रहे हैं। और क्लिक होगा और तो चलिए देखते हैं कैसे क्लिक करना। तो भाई पहले तो दिखा दें आपको अपना सेटअप। हम लोग ये राम लोग का कैमरा, ठीक है, ये रहा रिंग लाइट। और बेसिकली देखो उसके लिए हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है एक रिंग लाइट का, और इस रिंग लाइट को हम लोग इस तरह रखेंगे। देखो यहाँ पर रिंग लाइट रखा हुआ है, ये सारा दिमाग है सनी ओझा का, और ये सनी ओझा का दिमाग से हम लोग चलते हैं, हम लोग हमेशा नए नए फोटोज़ लेते हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे, रुको बैक कैमरा करता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं। अगर प्राइम लेंस आप यूज़ कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट को ज़्यादा दूर रखने का नहीं है, उससे ज़्यादा मतलब सही फोटोज़ नहीं आते। और रिंग लाइट ऐसे रखना कि जो भी जो मतलब अगर आपके घर में मिरर है, सबसे पहला बात मिरर हो, और रिंग लाइट जो है वो आप इस तरह रखें कि आपका जो लाइट है वो पूरे फेस पे पड़े, कहीं शेडो नहीं है, जिसके कारण एडिटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर यहाँ पर आते हैं सुमेर भैया, सुमेर भैया आ जाइए, आप खड़े हो जाइए। जैसे कि सुमेर भैया यहाँ पर खड़े हैं, अभी इनके चेहरे पर, हाँ हाँ सही आ रहा, अभी इनके चेहरे पर देखिए पूरा लाइट पड़ रहा है, कोई दिख नहीं रहा, सही है। तो अभी जैसे कि यहाँ पर ना इनके चेहरे पे पूरा लाइट पड़ रहा है। सुमेर भैया थोड़ा सा और पीछे आ जाइए, हल्का सा, हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ पर लाइट अभी हम लोग को लगता है कि प्रॉपर पड़ रहा, और ज़्यादा दूर नहीं, ओवर शोल्डर से लेंगे, ठीक है, ऑफ शोल्डर से लेंगे ये फोटो। और तो चलो यार देखते कैसे फोटो लेगा सनी हमारा भाई। पहले सेटिंग्स दिखा दो यार, अभी जैसा हम लोग का लाइट है उसमें सेटिंग कौन कौन सा रखे, ISO एपर्चर वगैरह क्या क्या दिखाना जरा। कैमरा हमारा शटर स्पीड अभी है 320 के अप्रॉक्स, और एपेचर है 1.8, और आपका है ISO है 160, क्योंकि ISO और आपका शटर स्पीड लगभग बैलेंस्ड है, और जो आउटपुट आएगा यार वो बहुत बेस्ट आएगा जहाँ तक मुझे पता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कैसा आउटपुट आ रहा है, अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि जो एक्चुअल है एडिट होने के बाद कैसा आता है। चलिए तो फिर लेते हैं, हाँ मैं हट जाता हूँ साइड से। कैसा आया आउटपुट यार, दिखाओ ज़रा, इम्प्रेसिव। अगर इसको ना, सनी तुम तो दिख रहे हो उसमें, अरे वो रुको दूसरा दिखा रहे हैं, हाँ ये परफेक्ट है। ये जो आउटपुट है ना, ये स्क्रीन पे आपको मैं फोटोज दिखा रहा हूँ डायरेक्ट, ये देखो कैसा लग रहा। अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर बताना। तो बाकी आज के लिए बस इतना ही, और अगर पसंद आया वीडियो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब करना, और चलते बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, लव यू ऑल, बाय बाय।